हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैंने क्लीनिंग का काम दिया है फ्रेंड्स। किचन का मैंने बताया था कि आपको हाफ क्लीनिंग जो है फ्रंट साइड की मैंने बताई थी पहले, जो हो चुकी है। और अब मैं ले रही हूँ इधर की साइड की, सामने की साइड के पोर्शन की क्लीनिंग, जो मैंने यहाँ के ऊपर की पट्टी साफ करके अभी कर लिया है। ऊपर का सामान जमा दिया है, अब इधर जो भी सामान था वो जमा लूंगी। और उसके बाद मैं अभी नीचे की क्लीनिंग कर रही हूँ, ये डिब्बे वगैरह हटा के इसको अच्छे से क्लीन करके इन पोर्शंस को जमाऊंगी मैं अच्छे से। और उसके बाद में डिब्बे वगैरह क्लीन करने का काम बाद में करूँ। देखिए ये सब मैंने अच्छे से जमा दिया है। ये छोटे छोटे सब मेरे चाय में जो डिब्बे आते हैं सोसाइटी के, उसमें मैं स्नैकिंग की चीज़ें रखती हूँ सोना की। और ये जमा दिया है, ये मंदिर में चढ़ाने की चुनरियाँ हैं पूजा की, जो सामने रखी याद रहने के लिए। अब इधर अच्छे से क्लीन कर लिया है, बस अब इधर सामान जमाना है मेरे को वापस। और अब मैं नीचे की क्लीनिंग कर रही हूँ, ये डिब्बे वगैरह हटा के। ये पोर्शन तो झाड़ लिया है मैंने, अब अभी थोड़ा सा अच्छे से रगड़ के साफ भी कर लूँगी। अभी ये एक एक डिब्बा हटा के यहाँ की क्लीनिंग करके वापस जमा दूंगी। और फिर बाद में ये डिब्बे साफ भी करने हैं, जो तो मैं बाद में एक एक डिब्बा रोज करूँगी तो साफ हो जाएगा। तो ये दोनों नीचे के जो पोर्शन है बहुत कबाड़ा हो रहा है, इनको व्यवस्थित जमाना पड़ेगा। जो आज ये काम कर रही हूँ मैं, कह रहा है मैं कर लूंगा सारा काम। मैंने कहा बड़ा हो जाएगा ना तो एक काम करना, मैं कुछ नहीं करने वाली, फिर कर लेना तू सारा काम। कर लेगा सोना फिर? हाँ फिर तो बोल देगा मम्मी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बोल रहा है बस। चलो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट काम। तो फ्रेंड्स ये दूसरे साइड के पोर्शन की भी क्लीनिंग कर ली है मैंने अब अच्छे से, और अब मैं सामान जमाना स्टार्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स मैं पेपर या प्लास्टिक नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि यहाँ मुंबई में सीलन का प्रॉब्लम रहता है तो कॉकरोच हो जाते हैं नहीं तो, इसलिए मैं डायरेक्ट ही जमाती हूँ सामान। अभी मिक्सी भी अच्छे से साफ कर दी, मिक्सी इडली मेकर बाटी ओवन सब जमा दूंगी मैं साइड में। और अब इस साइड का सामान बाकी है जो भी फटाफट मैं अरेंज कर दूंगी। और ये सोना को कब से बोल रही हूँ तो भी धूल मिट्टी में ही बैठा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इधर के साइड के किचन की भी सफाई हो गई है, एकदम क्लीन हो गया है यहाँ सब, अच्छे से जमा दिया है मैंने वापस। इधर भी अभी थोड़ा सामान और रहता है जो जमाना बाकी है, कप वगैरह पड़े रहते हैं। और इधर नीचे भी सब क्लीन लग रहा है, व्यवस्थित कर दिया है, जमा दिया है मैंने। अब बस डिब्बों को धोना बाकी है। और इधर फ्रिज भी मैंने अच्छे से बाहर से साफ कर दिया है, फ्रिज भी शाइन कर रहा है। और ऊपर भी थोड़ा बहुत जमा दिया, अभी थोड़ा और जमाना बाकी है इनको अच्छे से। ये रैक नहीं जमाई है, इसको जमाना है मुझे। बाकी इधर की भी टाइल्स वगैरह सब अच्छे से साफ कर दिए मैंने। तो आज ये क्लीनिंग, बेटा नीचे उतर जाओ। तो फ्रेंड्स इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा, तो आज ये काम तो कंप्लीट हो गया है। और ये पोर्शन भी हो गया है, इसके साथ किचन की सफाई लगभग मेरी कंप्लीट हो गई है। बस अब फ्रिज के ऊपर की रैक्स जमानी बाकी है, और ये नीचे की ट्रॉलियों को धोना बाकी है, तो ये भी बस कर लूँगी, थोड़ा छोटा मोटा काम है जो। अब फ्रेंड्स शाम के टाइम हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करा पाया आज, एक्चुअली उनका सिर दुख रहा था बहुत, तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, वो सोए हुए थे दिन भर। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो कर देता हूँ कि आज शाम का खाना खिलाने ले जाता हूँ बाहर। तो हम बस बाहर जा रहे हैं आज, थोड़ा वॉक करके जाएंगे। अब ऑटो में जा रहे हैं हम, और अब आपको ऑटो में से भी दिखा रही हूँ मैं रास्ते के नज़ारे। अब तो बहुत रश हो रहा है मार्केट में, धीरे धीरे अब दिवाली आ रही है तो रश ही रहेगा। और यहाँ बीच में जो मार्केट आता है बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ स्क्वायर पर उतर गए हैं, और यहाँ से थोड़ा वॉक करके जाएंगे। और यहाँ पर सामने गणेश जी और दुर्गा माँ की बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनती हैं, जो मैं थोड़ा सा यहाँ देखने लग गई, शूट करने लग गई। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में। ये हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और बहुत अच्छा फूड मिलता है यहाँ पर।
बहुत ही टेस्टी होता है सब कुछ यहाँ का। यहाँ के पराठे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैंने फटाफट आते ही चारों तरफ कैमरा घुमा लिया कि एक बार शूट कर लेती हूँ, बाद में तो थोड़ा सा शाय फील होगा करने में, तो स्टार्टिंग में ही शूट कर लिया मैंने। और शोना की फरमाइशें शुरू हो जाती है बस आते ही, पापा ये पापा वो। और अब थोड़ा सा कैमरा मैंने अपनी तरफ भी ले लिया है कि एक बार खुद को भी दिखा दूँ मैं। अब हम लोग खाना खा के निकल रहे हैं, तो मैं क्या डायरेक्ट ऑटो में बैठना प्रिफर नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वॉक करके जाना चाहिए, घूमना भी हो जाता है, वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलते। तो हमारे ये एरिया का लोकल मार्केट है, जो बहुत बार मैं थोड़ा बहुत बता भी चुकी हूँ पहले भी व्लॉग्स में, तो आज और मैं बता देती हूँ। आज तो थोड़ा हम ज़्यादा वॉक करेंगे तो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, तो मैंने सोचा कि यार अच्छे से दिखाई देती हूँ अब जा रहे वॉक करके, तो मार्केट भी घुमा देती हूँ। देखिए सारी तरह की चीज़ मिलती है, कप्स कितने सुंदर सुंदर हैं इनके पास, और सभी तरह की जो घर की चीज़ें होती है सब मिलती हैं। पानी पूरी वाला भी खड़ा है, बट अभी पेट पूरा फुल हो चुका है तो अभी इच्छा नहीं है मेरी। और शूज़ वगैरह की भी शॉप्स हैं, ये देखिए ये इयररिंग्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ अच्छे। और ये डेली की है जो रोज़मर्रा के सामान वगैरह, ये मंदिर है यहाँ पर एक, और बस घर के सामान भी, बर्तन वगैरह की भी शॉप्स आपको दिख रही है छोटी छोटी, और भाजी मार्केट भी है ये, तो भाजी वगैरह भी मिलती रहती है बीच बीच में। और ऐसे शॉप्स भी बनी हुई है, कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, कुछ की खुद की शॉप्स हैं, तो जैसा जिसको पसंद है वो वैसा परचेस कर लेते हैं। और अब फाइनली हम यहाँ से आगे से ऑटो कर लेंगे, और ये हमारे यहाँ का बहुत फेमस जैन मंदिर है जो स्क्वायर पे आता है, मेन स्क्वायर पे, तो ये भी दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ से हम ऑटो कर लेंगे, तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।